तो अभी तक हमने बात कर ली थी किस चीज़ के बारे में, कि जो पोटेंशियल होता है हार्मोनिक पोटेंशियल, उसके एक सिंपल हार्मोनिक को पोटेंशियल लेके चलते हैं। तो वहाँ से सिर्फ ये 2, 8, 20 है, ये तीन ही मैजिक नंबर एक्सप्लेन होते हैं। तो इनको एक्सप्लेन करने के जो फर्दर आगे जो एक्सप्लेन करने के लिए हम पोटेंशियल के अंदर एक और एक्स्ट्रा टर्म ऐड करके लेते हैं, जो कि क्या होती है, इंट्रैक्शन, जो LS कपलिंग होती है उसको हम लेके चलते हैं। और इस LS कपलिंग के कारण जो एनर्जी आती है वो एक तो सिंपल पोटेंशियल है उसके कोरिस्पॉन्डिंग में हमें एनर्जी मिलेगी, और दूसरा हमें क्या मिलेगी, जो प्लस माइनस है ये इनकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो जो एवरेज वैल्यू आएगी LS की, ठीक है। क्यों दो कैसे आती है, क्योंकि जो एस है हाफ है, इसके लिए हमारे पास दो स्टेट बनती है, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। तो एक वैल्यू है वो एल प्लस हाफ के कोरिस्पॉन्डिंग में रहेगी, और दूसरी वैल्यू है वो किसके कोरिस्पॉन्डिंग में रहेगी, एल माइनस हाफ, ठीक है। तो एस है वो दो में स्प्लिट होता है। तो यहाँ से क्या होगा, जो ईच एनर्जी लेवल है, जैसे हमने पहले बनाया था, वन एस बनाया था, वन पी बनाया था, जो पी वाला है वो दो में स्प्लिट हो जाएगा, जो पी वाला है वो दो में स्प्लिट हो जाएगा। इसी तरीके से डी है वो भी दो में स्प्लिट होगा। तो सारे एनर्जी लेवल्स है वो दो दो में स्प्लिट होंगे, सिवाय एक एस को छोड़ के। तो हम देखते हैं कि एल एस स्प्लिटिंग से जो ये वैल्यू है वो कितनी आती है और क्या आती है, ठीक है। देखते हैं, हम सबसे पहले एल एस निकालते हैं। तो जो अपना जे लिखते हैं, हम पूरा जे अपना आता है एल प्लस एस, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जब इसको हम दो बार का वेक्टर सम लेंगे, इसका वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे, तो यहाँ से ये क्या चीज़ हमें प्रोवाइड करेगा, ये प्रोवाइड करेगा एल डॉट एल एस डॉट एस प्लस 2 L डॉट S। और ये जब हमें पता है, जब हम दो वेक्टर लेके चलते हैं ए डॉट ए, तो उसे हम लिख सकते हैं ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, जे के मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर, और ये एल के मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर, और ये एस के मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर, और ये आपका बन गया 2 L डॉट S। तो एल डॉट एस की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी इसके कोरिस्पोंडिंग में, एल एस की वैल्यू है वो। तो एस की हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज रहेगी, एक तो क्या रहेगी प्लस हाफ, एस तो हमेशा ही आपका प्लस हाफ ही रहेगा क्योंकि जो मेन क्वांटम नंबर है। जो जे की वैल्यू है वो यहाँ पे दो आएगी, एक तो आएगी प्लस हाफ के कोरिस्पोंडिंग में और एक आएगी माइनस हाफ के कोरिस्पोंडिंग में। तो जे की जो वैल्यूज है वो दो आएगी, एक प्लस हाफ के कोरिस्पोंडिंग में और दूसरा माइनस हाफ के कोरिस्पोंड में, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज, जब हम जो जे स्क्वेयर लिखते हैं वो हम कैसे लिखते हैं, ये होता है ना एच कट स्क्वेयर, एच अपॉन 2 पाई आता है। जो एल स्क्वेयर है वो भी हम क्या लिखते हैं, जो एस स्क्वेयर आता है वो भी ये आती है वैल्यू इसकी। तो ये सारी वैल्यूज इसकी होती है, जो जे की आती है, एल की आती है और एस की आती है, ठीक है। तो जब हम ये वैल्यू यहाँ पे जब हम पुट करेंगे, ये वैल्यूज क्या क्या रहेंगी देखो, तो एल डॉट एस है वो क्या आ जाएगी वैल्यू, वो वैल्यूज आएगी आपकी जे प्लस वन माइनस एल एल प्लस वन और एच कट स्क्वेयर बाय 2, ये टोटल वैल्यू आती है इसकी एल एस की। तो हमें क्या करना है, हमें दो के एल एस की वैल्यू है वो दो के कोरस्पोंडिंग में निकालनी है, एक निकालनी है एल प्लस हाफ और एक निकालनी है एल माइनस हाफ। तो एल प्लस हाफ के कोरेस्पॉन्डिंग में हम ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले, मतलब जे बराबर एल प्लस हाफ के कोरेस्पॉन्डिंग में ये वैल्यू लेते हैं। और एस आपका हमेशा क्या रहेगा, हाफ, क्योंकि न्यूक्लियोन है उसके लिए एस की वैल्यू क्या रहेगी, हाफ रहेगी। तो जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो एल प्लस हाफ और हाफ प्लस वन कितना हो जाएगा 3/2, माइनस एल एल प्लस वन
और ये वैल्यू पुट करेंगे तो हाफ इंटू 3/4 हो जाएगा ना ये वैल्यू। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4। यहाँ से हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं एल स्केयर प्लस 3/4, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एल की वैल्यू 3/2L प्लस एल बाई टू, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एल स्केयर और माइनस एल, और ये आपका क्या आ जाएगा -3/4। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज कैंसिल होगी और ये भी कैंसिल हो जाएगी, और ये कितना आ गया, ये आएगा 3/2 और हाफ 2 हो गया और एक कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, एल बाय एल आ जाएगी, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, एल आ जाएगी। तो एक एनर्जी तो अपनी ये हो गई, जो किसके कोरेस्पोंडिंग में जो एल एस की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, प्लस की आ रही है एल बाय टू। ठीक है, और दूसरी हम निकालते हैं किसके कोरेस्पोंडिंग में वैल्यू, तो ये अपना किसके कोरेस्पोंडिंग में आया है, जब हम लिखते हैं फॉर जे इज इक्वल टू एल प्लस हाफ के कोरेस्पोंडिंग में जो एल एस की जो हमें वैल्यू मिली है वो वैल्यू मिली है हमें एल बाय टू एच स्क्वेयर। ठीक है, अब हम देखते हैं एल माइनस हाफ के कोरेस्पोंडिंग में देखते हैं, तो एल माइनस हाफ के कोरेस्पोंडिंग में ये वैल्यू देखेंगे तो एल डॉट एस है, यहाँ पे हम रखेंगे तो एल माइनस हाफ और एल प्लस हाफ हो जाएगा ना, ये कि माइनस हाफ प्लस वन प्लस हाफ अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और एस की वैल्यू हमें कितनी लेनी है हाफ, तो ये चीज़ है। तो यहाँ से अब इसको सोल्व करेंगे तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो ये बनेगा एल स्क्वेयर माइनस वन बाई फोर माइनस एल स्क्वेयर और माइनस एल, ये माइनस 3/4। ठीक है, तो ये कैंसिल और डिवाइड में अपना कितना है 2 है एच स्क्वेयर, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस एल और माइनस वन होगी, तो माइनस जब हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो ये दो वैल्यूज आ गई अपने कोरेस्पोंडिंग में एल एस की, ये वैल्यू यहाँ से आ रही है माइनस एल बाय टू। तो जब जे इज इक्वल टू एल माइनस हाफ लिखते हैं तो एल एस की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है माइनस एल प्लस वन बाय, ये चीज़ आ रही है। तो यहाँ से हमने ये देख लिया ये वैल्यूज आ गई, तो अब देखो क्या चीज़ होगी, अब दोबारा मैं वही उसी फॉर्मूले के ऊपर जाता हूँ जो वी आर का जो फॉर्मूला है ये है, तो ई आर की जो वैल्यू आएगी वो एन प्लस 3/2 एच ओमेगा माइनस ऑफ एफ आर इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू और इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये दो आएगी। अब देखो किसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी और किसकी एनर्जी कम रहेगी, जे एल प्लस हाफ है यहाँ पे, ये प्लस है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस और कम हो जाएगी ना वैल्यू, तो जे तो ई की वैल्यू किसकी आएगी एल प्लस हाफ है उसके लिए ये वैल्यू है वो कम रहेगी एज कम्पेयर टू एल माइनस हाफ, क्यों, क्योंकि देखो माइनस हाफ के लिए यहाँ पे माइनस आ रहा है और एक माइनस यहाँ पे अपना, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ई एल की वैल्यू है वो कैसे आ जाएगी माइनस हाफ, तो ऐसे ही क्या हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ठीक है। अब दूसरी चीज देखो, जब अपना दूसरी चीज क्या, जब एल बराबर जीरो होगा क्या होगा, एल बराबर जीरो होगा तो उस टाइम जो एल एस की वैल्यू है वो कितनी आएगी, उस टाइम एल एस की वैल्यू, एक चीज और देखनी है ना, तो एक चीज़ तो ये हो गई, तो जब L बराबर जीरो होगा यानी कि J की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी L प्लस S यानी कि S के बराबर हो जाएगी, J की वैल्यू S के बराबर हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा L डॉट S है वो, ये J की वैल्यू S S प्लस वन और ये L है वो जीरो हो जाएगा और माइनस S तो ये क्या आ गया आपको जीरो। तो एस वाले के केस में
जो ये एल एस की वैल्यू वो जीरो आएगी, यानी कि एल के केस में वो स्प्लिटिंग नहीं होगी। ठीक है, तो एल के केस में जो जे की वैल्यू है वो कितनी आएगी, जीरो प्लस हाफ, तो ये क्या आपकी हाफ ही रहेगी। ठीक है, टोटल वैल्यू वो क्या रहेगी, तो क्योंकि एल एस की वैल्यू है वो यहाँ पे जीरो आ रही है, तो ये स्प्लिटिंग वाली टर्म है वो एस के केस में नहीं आएगी। ठीक है, तो इस चीज़ की हमने बात कर ली। तो अभी हमने देखा कि किसकी वैल्यू कम आएगी, एल प्लस हाफ की, जो नीचे वाला लेवल है वो कौन सा रहेगा, प्लस हाफ के कोरेस्पॉन्डिंग में रहेगा, और ऊपर वाला लेवल है वो किसके कोरेस्पॉन्डिंग में रहेगा, माइनस हाफ के कोरेस्पॉन्डिंग में। तो इसका मतलब ये हो गया, जैसे मैं ये ड्रा करता हूँ यहाँ पे, जैसे वन पी मैं ड्रा करता हूँ, तो पी है, तो पी वाला दो में स्प्लिट होगा, दो में कैसे, पी के लिए एल की वैल्यू कितनी है, वन है, तो एक वन प्लस हाफ कितना हो गया, थ्री बाय टू, और दूसरा वन माइनस हाफ कितना हो जाएगा, हाफ। तो ये पी है वो दो में स्प्लिट होगा। इसी तरीके से यदि मैं डी की बात करूँ, तो डी भी दो में स्प्लिट होगा, डी के लिए एल की वैल्यू कितनी है, टू है, एक आएगा टू प्लस हाफ यानी कि फाइव बाय टू, और एक आएगा थ्री बाय टू। तो इस तरीके से ये जो सारे के सारे लेवल्स है वो स्प्लिट होंगे। तो अभी मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ एक, ठीक है, किस तरीके से एनर्जी लेवल्स है वो स्प्लिट हो रहे हैं। ये वाले जो अपने जितने भी लेवल थे यहाँ पे, ये वाले सारे के सारे लेवल थे जो अपने आए थे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक पोटेंशियल जो हम लेके चले थे, ये हार्मोनिक पोटेंशियल के कारण ये वाले सारे के सारे थे। ठीक है, और फिर जैसे ही हमने ये टर्म जो ऐड की थी एल एस वाली, तो वो टर्म ऐड करने के बाद जो ईच लेवल है वो स्प्लिट हो रहा है, सिवाय किसे छोड़ के, सिर्फ एस वालों को छोड़ के, कि एस के लिए जे की वैल्यू सिर्फ एक रहेगी, हाफ रहेगी, पी है वो दो में टूट रहा है, थ्री बाय टू, वन बाय टू, और डी है वो दो में टूट रहेगा, फाइव बाय टू और थ्री बाय टू में, एस है वो स्प्लिट नहीं हो रहा, सिंगल रहेगा, एफ भी दो में स्प्लिट हो रहा है, सेवन बाय टू, और यहाँ पे सॉरी ये कितना आएगा, फाइव बाय टू है यहाँ पे, ये फाइव बाय टू। इसी तरीके से पी है वो दो में स्प्लिट हो रहा है, थ्री बाय टू और फाइव वन बाय टू में। ठीक है, तो जी है वो दो में स्प्लिट होगा, नाइन बाय टू, सेवन बाय टू में। तो ये इस तरीके से ये वैल्यू अपनी है वो, ये सिर्फ मैंने स्प्लिट दिखाया है, और जब इनके जब मैं एनर्जी लेवल्स जब मैं ड्रा करूँगा, इन सभी के जब एनर्जी लेवल्स जब ड्रा करूँगा, तो एनर्जी लेवल ड्रा करने से क्या होगा, यहाँ से देखो, तो ये सारे के सारे स्प्लिटिंग होगी, कि कोई भी जो एनर्जी लेवल है वो डीजनरेट नहीं रहे, वो सारे के सारे स्प्लिट हो गए। अब क्या होगा, ये सारे सारे इंटरमिक्स होंगे, क्या होंगे, सारे के सारे इंटरमिक्स होंगे। इसमें से मान लो किसी की एनर्जी है वो जैसे H है, तो H की दो की एनर्जी टूटेगी, वो एक एनर्जी राइज होगी और एक काफ़ी ऊपर जाएगी और एक काफ़ी नीचे आएगी, तो हो सकता है कि इसकी एनर्जी वो काफ़ी ऊपर चली जाए। तो इस तरीके से हम जो इनका सीक्वेंस होता है, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, सिवाय हमें सिर्फ ध्यान रखने के। जैसे ये बनाता हूँ, तो जो मैं एनर्जी जब बनाऊँगा, तो सबसे पहले जो अपना आएगा वो यहाँ से आ जाएगा, अपना कौन सा जो सबसे पहला एनर्जी लेवल है वो आ जाएगा 1s by half। ठीक है, और ये दोनों हैं, ये दोनों भी दो बनाएंगे, तो इसका जो एनर्जी लेवल्स आएंगे जो यहाँ से अपने इन दोनों से, वो भी अपने पास दो आएंगे एनर्जी लेवल्स, और वो जो दो एनर्जी लेवल्स है वो क्या होंगे, एक होगा आपका ये पी थ्री बाई टू और पी वन बाई टू। जब ये दोनों जब इंटरमिक्स करेंगे ना, जब ये, तो इनकी इंटरमिक्सिंग से क्या होगा कि ये इस तरीके से बनाएगा। ठीक है, जो S है वो बीच में रहेगा, इनका जो S है वो S वाला क्या रहेगा, जो S वाला है वो रहेगा बीच में, जो S वाला है वो बीच में रहेगा। तो ये वाला जो बन रहा है वो बनेगा 2s हाफ के कोरेस्पॉन्डिंग, और ये वाला जो बन रहा है एक, ये बनेगा 1d 5 बाय टू, और ये 1d 3 बाय टू। ठीक है, इस सेल की स्प्लिटिंग के बाद इसकी जो स्प्लिटिंग होती है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होगी, कि यहाँ पे क्या होगा कि जो इसमें से जो ये तीन सेल चार सेल हैं, इनमें से जो ये तीन हैं, उन तीन की एनर्जी ऊपर रहेगी, जबकि
एक सेल की एनर्जी ये नीचे आ जाएगी, यहाँ से जो ये वाला जो सेल है F7/2, तो ये वाला जो सेल है वो एक डिफरेंट सेल बनाता है, जो ये वाली जो सब सेल होगा ये वाला जो सेल है ये डिफरेंट बनाएगा, यहाँ से जो F7/2 है और बाकी जो ये तीनों है ये अलग बनाएंगे, तो ये आपका P3/2 होता है और यहाँ पे ये 5/2 और ये P1/2, तो ये इस तरीके से एक और एक्स्ट्रा सेल है वो बनेगा। फिर क्या होता है कि यहाँ से जो ये वाले जो सेल हैं सारे अपने इधर से, तो यहाँ से इन वाले सेल में से ये वाला जो सेल है इसकी एनर्जी काफ़ी डाउन होगी, तो यहाँ से ये अपना इस तरीके से बनता है, ये 5 है तो यहाँ से ये वाला तो स्प्लिट होगा नहीं क्योंकि इसके स्प्लिटिंग होती है, तो इसकी एनर्जी लगभग यही रहेगी S1/2 जो 3S1/2 है, और बाकी जो इनकी एनर्जी है यहाँ से क्या होता है कि ये वाला जो सेल है ना एक 5G9/2, तो इसकी एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि ये इस वाले सेल के पास आ जाता है यहाँ पे, तो ये P1/2 जो मैंने लिखा है यहाँ पे जो इसकी एनर्जी है 1G9/2, तो ये वाला वो इसके साथ इंटरमिक्स हो जाता है और बाकी जो एनर्जीज बचती है बाकी जो लेवल है वो अपने सारे के सारे इस तरीके से आएंगे, यहाँ से एक ये हो जाएगा, ठीक है, तो सिर्फ इस एक की जो एनर्जी सेल है वो काफ़ी अलग आएगा, तो ये आपका मानो ये D3/2 हो जाएगा, ये D5/2 होगा और ये आ जाएगा आपका G7/2, तो इस तरीके से ये वाले एनर्जी सेल बनेंगे। और फिर सेम तरीके से यहाँ से जो ये वाला जो स्प्लिटिंग होगी, तो इस वाली स्प्लिटिंग में से क्या होगा, जो ये H11/2 है, ये जो H11/2 है ये वाली एनर्जी इतनी कम होगी कि ये वाला जो है वो इसमें से निकल के इसके साथ इंटरमिक्स हो जाएगा। ये इसकी एनर्जी है, यहाँ से क्या होगा कि जो ये H11/2 है इसकी एनर्जी है वो इस सेल के साथ इंटरमिक्स हो जाती है जो कि यहाँ पे लाई करेगी, तो इसकी एनर्जी इतनी लो हो जाएगी और बाकी जो ये सारे के सारे हैं जो जितने भी अपने 5 बनेंगे वो सारे के सारे एक डिफरेंट सेल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से ये इस तरीके से ये अपना सेल है वो बनाएंगे, तो यहाँ पे जो सबसे नीचे रहेगी वो आएगा H9/2 और यहाँ पे जो आएगा वो आएगा F7/2 और एक और रह गया ना यहाँ पे, चलो इसको ऐसे बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये F5/2, ये P3/2 और P1/2, तो इसी तरीके से जो आगे से जो ये वाला जो लेवल बनेगा इसमें से एक ऊपर जो आई है तो वहाँ से इसमें से जो आई है वो दो में डिवाइड होगा, I 13/2 और 11/2, तो नेक्स्ट में क्या होगा, इसमें से जो I 13/2 है वो निकल के इसके साथ आ जाएगा, यहाँ मिक्स होगा, यहाँ से जो I 13/2 आएगा वो लगभग आप ये मानो कि वो इधर आएगा अपना I 13/2, तो इस तरीके से ये वाली जो है वो सेल की है वो मिक्सिंग होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखो कि ये सिर्फ खाली इसके जो लेवल्स है वो सिर्फ इसी का ना रह के इसके अंदर आ रहा है और इसका एक जो लेवल है वो इसके अंदर आ रहा है, तो आगे से इस तरीके से ये मिक्सिंग हो जाती है। तो अब हम क्या देखते हैं इसके अंदर कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल जैसे हमें फिल करने होते हैं ना कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सब सेल, तो यहाँ पे जो इन ए लेवल आएगा वो देते हैं हम 2J+1 कितना देते हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो देते हैं हम 2J+1, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए लेवल हम क्या देंगे, या तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम देंगे 2J+1। 2J+1 का मतलब यदि J की वैल्यू हाफ है, तो J की वैल्यू यदि हाफ होगी तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ जाएंगे,
उसके अंदर आ जाएंगे 2 × 1/2 + 1, तो ये आ जाएगा 2। तो इस सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स भरे जाएंगे? 2 भरे जाएंगे। तो P3/2 होगा, तो 3/2 होगा, तो 3/2 वाले लेवल के अंदर कितने आ जाएंगे? 3 + 1 = 4। तो यहाँ पे 4, ये 1/2 है, तो इसके अंदर कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। तो इसी तरीके से 5/2 वाले में कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। तो 5/2 वाले में कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। इसके अंदर कितने आएंगे? 2, इसके अंदर 4, इसके अंदर 8 आएंगे, और फिर इसके अंदर 4, इसके अंदर 6, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 10, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही, यहाँ पे 7 वाले इसके अंदर 8, इसके अंदर 6, इसके अंदर 12, इसके अंदर 4, इसके अंदर 2, इसके अंदर 10, यहाँ पे 10, 8 और इसके अंदर 6, तो देख रहा हो ना, ये यहाँ पे 14 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2। मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ये 5/2 है ना, तो 5/2 कहाँ गए? ये 5/2, 5/2 + 1 गई है 6, तो एक एक एक्स्ट्रा करके हमने जोड़ दिया। तो अब हम देखते हैं यहाँ से क्या चीज़ होगी। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिल करते हैं एक बार के लिए यहाँ पे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब हम फिल करेंगे, तो देखो कि एक यहाँ पे आ गया, तो जब इसको कंप्लीट भरेंगे तो कितने आ गए? 2 आ गए। तो इससे आगे जब हम फिल करेंगे, जो इसको जब हम फिल करेंगे, तो पहले सेल में 2 आएंगे, तो ये वाला एक सेल बनाएगा, और ये दोनों मिलके फिर एक और सेल बनाएंगे। तो ये जब इन दोनों में फिल होंगे, तो 4 और 2 कितने आ गए? 6। तो यहाँ तक कितने पार्टिकल्स फिल हो गए? 8 हो गए, ठीक है। फिर जब नेक्स्ट लेवल में आएंगे, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 6, 8, 12। तो इसके इस सेल के अंदर भी 12 बनेंगे, तो यहाँ पे जो आपका, तो 8 में प्लस जोड़े 20 आ जाएंगे। अब ये वाला जो है ना, ये एक अलग, क्योंकि इसकी एनर्जी है वो ना तो इसके साथ मैच कर रही है, ना इनके पास आ रही है, तो ये वाला जो है वो एक अकेला सेल बनाएगा। तो इसके अंदर 8 है, वो कितना आ गया? 28। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो फिल हो रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से, 2, 8, 20, 28। और फिर यहाँ पे देखो जो अपना कितना आना चाहिए, अब 50 तक पहुंचना चाहिए ना, तो ये कितना हो जाएगा? 10, 20, 22। तो इस सेल में 22 आएंगे, तो यहाँ पे देखो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितने फिल हो जाएंगे? 50। जैसे 2 यहाँ पे, तो 6 ये 2 और 6 8, 8, 12, 20, 28, 28 + 22, 50। तो इस तरीके से हम ये चीज़ देखेंगे। फिर जो ये वाला जो सेल यहाँ पे बन रहा है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे? 32 आने चाहिए। ऐड करके देखते हैं कि 32 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसके अंदर कितने आएंगे? 8, 14, हाँ ऐड करके देखते हैं इसको, 6 एंड 18, 18 + 14, 32 इसके अंदर फिल होंगे। तो 32, 50 यहाँ तक फिल हो गए, 32 यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 82। और फिर जो ये वाला जो सेल है, इसके अंदर कितने आने चाहिए? इसके अंदर आने चाहिए 54 आने चाहिए। तो ये आपका कितना 44 आने चाहिए। तो 44 आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? तो 126। तो ये एक्सप्लेनेशन है कि 2 एक मैजिक नंबर है, सेल फिल हो गया। तो ये एक सेल बनता है, ये दूसरा सेल बनता है, और ये तीसरा सेल, ये एक सेल अलग से बनेगा, ये फिफ्थ सेल, ये सिक्स सेल, और ये सेवन सेल। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सेल है वो क्रिएट होते हैं। तो इन सेल के अंदर देखो 2 है, सेल कम्प्लीटली फिल हो गया 2 तक, और फिर 8 तक फिल होते हैं, तो ये वाला सेल है वो कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। फिर 20 पे ये सेल फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे क्या देता है, 2, 8, 20, 28, 50, 82 एंड 126। तो इस चीज़ के जो ये सारे मैजिक नंबर है वो इस मॉडल से एक्सप्लेन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में। तो मॉडल, इस मॉडल से जो मैजिक नंबर है वो पूरा का पूरा कम्प्लीटली एक्सप्लेन हो रहा है। तो फिर हम देखते हैं यहाँ से जो आगे नेक्स्ट, कि इसकी मदद से हम किस तरीके से जो स्पिन है वो कैलकुलेट करते हैं। सो मैजिक नंबर के एक्सप्लेनेशन के बाद हम यहाँ से देखते हैं कि जो स्पिन कैलकुलेशन करते हैं हम न्यूक्लियाई के लिए, वो किस तरीके से हम करते हैं। तो स्पिन कैलकुलेशन के लिए हमें क्या देखना है कि स्पिन है वो किसके कारण आएगी, जो इनका
जो लास्ट में अनपेयर्ड प्रोटोन या फिर जो अनपेयर्ड न्यूट्रॉन होता है उसके कारण वो स्पिन आएगी। तो अनपेयर्ड प्रोटोन या फिर अनपेयर्ड न्यूट्रॉन के कारण, तो हमें यही देखना है कि जो लास्ट जो अनपेयर्ड प्रोटोन या अनपेयर्ड जो न्यूट्रॉन होगा वो कहाँ पे लाई कर रहा है, कौन से सेल के अंदर रखा रहा है। तो उसी सेल के लिए जो वैल्यू होगी, उसी लेवल की जो वैल्यू होगी, वही उसके लिए क्या आएगी, जो उसकी क्या आएगी, स्पिन वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हम अभी हम एग्जांपल देखते हैं। देखते हैं सबसे पहले, हम पहला एग्जांपल लेके चलते हैं, हम ऑक्सीजन के लिए देखते हैं। ऑक्सीजन का जो ये आइसोट 817, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो कितने हैं, वो है 8, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 9। तो 8 है, तो 8 प्रोटॉन है, पेयर बना लेंगे तो इसके कारण नहीं आएगी। तो अनपेयर्ड जो इसका न्यूट्रॉन है वो कहाँ आएगा, तो इसका जो अनपेयर्ड न्यूट्रॉन है वो कहाँ, 9th देखो कहाँ पे फिल होगा, 8 यहाँ तक फिल हो जाएंगे, जो 9th है वो आएगा D5/2 में। तो इसके लिए जो I की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 5/2 आएगी। तो I के लिए वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 5/2 आएगी, और इसके लिए I की वैल्यू वो 5/2 ही आती है। तो ये हो गया। तो फिर हम एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे जैसे फिर हम इसके बाद एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, एग्जांपल लेके चलते हैं हम इसका। ठीक है, तो इसका भी एग्जांपल लेके चलते हैं हम। तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो कितने हैं, 9 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, 17 में से 9 गए, 8 बचेंगे। तो यहाँ पे एक अनपेयर्ड प्रोटॉन होगा, तो अनपेयर्ड जो प्रोटॉन है वो 9th है, वो किसके अंदर आएगा, D5/2 के अंदर आएगा। तो जो इसके लिए जो ये वैल्यू है स्पिन की, जो वैल्यू है आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 5/2 आ जाएगी। तो इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, हम एक्सप्लेन करते हैं इनको, कुछ एग्जांपल हम करके देखते हैं। ठीक है, ये तो इसके लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 22 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आएंगे, 25। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे 25 होंगे। तो 25th न्यूट्रॉन है वो कहाँ पे आ रहा है, 25th न्यूट्रॉन यहाँ पे 20 हो जाएंगे, 25th है वो यहाँ पे 8 है, तो 5th है वो इसके अंदर आएगा। तो 25th जो अनपेयर्ड आएगा वो आ रहा है F7/2 के अंदर। तो जो इसके लिए जो आई की वैल्यू है वो कितनी रहेगी, 7/2। आई की वैल्यू कितनी रहेगी, 7/2 रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक्सप्लेनेशन कर ली। अब हम एक स्पेशल केस देखते हैं, जहाँ पे क्या हो, अभी तक हमने तीनों एग्जांपल किए वो किए हैं जहाँ पे क्या हो, नंबर ऑफ प्रोटोन हो या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अनपेयर्ड हो, एक प्रोटॉन या फिर कोई एक न्यूट्रॉन अनपेयर्ड हो, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन में। तो अभी हम एग्जांपल देखते हैं जहां पे क्या हो, दोनों के दोनों अनपेयर्ड हो, इफ वन न्यूट्रॉन एंड वन प्रोटॉन इज अनपेयर्ड। तो इस केस का एग्जांपल लेके चलते हैं। इस केस में क्या आएगा कि न्यूट्रॉन अनपेयर्ड है प्लस प्रोटॉन अनपेयर्ड है, तो स्पिन की वैल्यू इसके लिए आएगी और एक वैल्यू इसके लिए आएगी। तो इसके लिए जो वैल्यू है इसे J2 लिख लेंगे और इसे लिख लेंगे J1। तो ये क्या होगा कि J1+J2 से लेके J1-J2 तक कोई भी वैल्यू है वो स्पिन की यहाँ पे आ सकती है इसके केस में। ठीक है, J1+J2 से लेके J1-J2 के बीच की कोई भी जो वैल्यू आएगी उनमें से कोई एक वैल्यू उसके लिए हो सकती है। तो देखते हैं हम एग्जांपल, जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं, सबसे पहले लिथियम का ही लेके चलते हैं, 3-6 का लेके चले हम, लिथियम 3-6। तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 3 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं,
थ्री है, तो इसके लिए जो थर्ड है अनपेयर्ड जो प्रोटॉन है तो सेम ये यही लेवल है वो प्रोटॉन के लिए न्यूट्रॉन के लिए सेम बनते हैं। तो तीसरा जो प्रोटॉन है वो कहाँ पे आएगा, इसके अंदर आएगा। तो इसके लिए जो J1 की वैल्यू है वो इसके लिए वैल्यू है 3/2, तो J1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2। सेम इसके लिए J2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2, तो J1 प्लस J2 करेंगे कितना आएगा 3/2 प्लस 3/2 कितना आ गया ये 3 आ गया, और J1 माइनस J2 कितना आ जाएगा 3/2 माइनस 3/2 0। तो इसकी वैल्यू 3 से लेके 0 तक, यानी कि 3 2 1 और 0 में से कोई भी इसकी वैल्यू है वो स्पिन की हो सकती है। और तो इसके लिए जो स्पिन की वैल्यू है वो एक्चुअल में कितनी आती है, I=2 आती है। और ये था यहीं पे। और ऐसे न्यूक्लियर की एक्चुअल स्पिन निकालने के लिए हमारे पास एक रूल आता है जिसे हम बोलते हैं बर्मन बेंस्टन रूल, जिसे हम बोलते हैं। इनकी न्यू स्पिन को एक्सप्लेन करने के लिए एक रूल आता है जिसे हम ब्रेंस्टन रूल कहते हैं, जो कि स्पेशली एक्सप्लेन करता है ओड ओड न्यूक्लियाई की जो स्पिन है उनको एक्सप्लेन करने के लिए इस रूल का यूज होता है। तो ये रूल हम कभी बाद में देखेंगे, बट अभी इसके लिए कहीं ना कहीं मैं ये एक शॉर्ट वीडियो है वो इस रूल के बेस पे मैं बनाने की कोशिश करूँगा कि जहाँ पे हम इसको देखते हुए ये बनाएंगे ओड ओड न्यूक्लियर के लिए। अपना ये सब कुछ है जो सारा स्पिन के बारे में हो गया। इसी तरीके से हम बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे फास्फोरस का एग्जांपल ले लेंगे, एल्युमिनियम का एग्जांपल लेंगे, कोबाल्ट का एग्जांपल ले लेंगे, क्लोरीन का एग्जांपल ले लेंगे। तो आप किसी भी न्यूक्लियर की जब देखोगे तो तब वो है ये एक्सप्लेन कर सकते। फिर इसके बाद हम देखते हैं पेयरिटी, देखते हैं पेयरिटी। हाँ, पेयरिटी देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि ये जो इसकी मॉडल की जो लिमिटेशंस है वो लिमिटेशन ये कि लगभग न्यूक्लियाई के लिए ये एक्सप्लेन जो ये आई की वैल्यू है वो करेक्ट निकलती है, बट फिर भी कुछ एक न्यूक्लियाई ऐसे हैं एक्सेप्शन न्यूक्लियाई जिनके लिए ये जो वैल्यू है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं हम ये इसकी वैल्यू, और हमें पता है कि इसके लिए जो आई की वैल्यू है वो 1/2 होती है, बट जब इसके थ्रू अगर हम निकालें तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटोन कितने हैं 9 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 10 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो इवन हो गए तो इसके कारण नहीं आएगी, तो नाइन्थ जो इसका जो प्रोटॉन है वो किसके अंदर आएगा, 8 यहाँ तक आ जाएंगे, नाइन्थ है वो इसके अंदर फिल होगा। तो ये नाइन्थ है वो D5/2 में आता है, तो ये 5/2 आनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग, बट इसकी एक्चुअल है वो 1/2 आती है। वो तभी पॉसिबल है कि जब ये न्यूट्रॉन है वो यहाँ से इस सेल की बजाय इसके अंदर आ जाए, S के अंदर आ जाए। तो ये मतलब इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं है कि ये जो एनर्जी है वो किस तरीके से इसकी लो हो जाती है इन केस ऑफ ऐसे आइसोटोप, जो ऐसे न्यूक्लियाई है आइसोटोप है उसके अंदर ये किस तरीके से ये जो चेंज आता है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बहुत थोड़े ही ऐसे न्यूक्लियाई है जिनके अंदर ये चीज़ होती है, तो ये इसकी लिमिटेशंस है। ठीक है, तो पता नहीं इसका किस तरीके से एक्सप्लेनेशन होती है इसकी, बट पॉसिबिलिटी यही है कि हम क्या सोचेंगे कि या तो ये S/2 नीचे आ जाए या फिर जो प्रोटॉन जो था अपना वो जंप करके ऊपर चला जाए, यही इसकी एक्सप्लेनेशन होती है। बट क्यों होता है इसका कोई आइडिया नहीं है इस मॉडल के थ्रू। तो हाँ, फिर जो हम एक बात करते हैं पेयरिटी की बात करते हैं, जैसे हम न्यूक्लियस की बात करते हैं ना, इवन ओड पेयरिटी की बात करते हैं, तो जो इसकी इवन ओड पेयरिटी है वो हम कैसे देते हैं, वो देते हैं कि जो लास्ट जो अनपेयर्ड है वो किसके अंदर आ रहा है, कौन से सेल के अंदर आ रहा है, कौन से लेवल के अंदर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम देंगे। और हम लिखेंगे -1 की पावर L। यदि ये -1 की पावर L यदि प्लस आ रहा है तो हम उस चीज़ को बोलेंगे इवन पेयरिटी देंगे, यदि ये -1 की पावर L है वो नेगेटिव आ रहा है तो हम उस चीज़ को देंगे ओड पेयरिटी। ठीक है, क्या डिफाइन करेंगे हम उसको, ओड पेयरिटी डिफाइन करेंगे। जैसे एग्जांपल यही ले इसके चलते हम,
ये। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कितनी है, 8 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितनी है, 9 है। तो 9th है वो इसके अंदर आता है, डी के अंदर आता है, 9th है वो अनपेयर्ड, और डी के अंदर आता है। और डी के लिए जो एल की वैल्यू वो कितनी होती है, 2 होती है। माइनस 1 की पावर जब हम 2 करते हैं तो ये प्लस आएगा, तो प्लस आएगा, तो प्लस आने के कारण जो इसकी जो पेरिटी है वो क्या होती है, इवन पेरिटी आएगी, जिसे हम प्लस भी लिखते होते हैं, ठीक है। और यदि ये माइनस आ जाए किसी तरीके से तो वो ये क्या बन जाएगी, ओड पेरिटी बन जाएगी, ठीक है। जैसे देखते हैं हम एग्जांपल, जैसे इसकी लेके चलते हैं 2247 की। तो इसके लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 22। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 25 है। तो 25th है वो किसके अंदर आ रहा है, 7/2 के अंदर आ रहा है, F7/2। तो F के लिए जो L की वैल्यू है वो कितनी रहती है, 3 रहती है। तो माइनस 1 की पावर 3 करेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस आने का मतलब ये क्या रहेगी, ओल्ड पेरिटी रहेगी। तो इस न्यूक्लियाई के लिए जो पेरिटी है वो क्या रहेगी, ओल्ड रहेगी, ठीक है। फिर इसके बाद उस केस में जहाँ पे दो अनपेयर्ड हो, एक प्रोटोन और एक न्यूट्रॉन अनपेयर्ड हो, जैसे कि ओड ओड जो न्यूक्लियाई होता है, ओड ओड न्यूक्लियाई के केस में क्या होगा, जहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों की दोनों क्या हो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की दोनों अनपेयर्ड हो, तो उस केस में हम क्या देखेंगे, हम पहले देखेंगे इंडिविजुअल की पेयरिटी देखेंगे। पहले क्या देखेंगे, इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन की पेयरिटी, मल्टीप्लीकेशन करके देखेंगे। यदि वो मल्टीप्लीकेशन यदि प्लस प्लस करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलता है, प्लस मिलेगा, तो वो हो जाएगी इवन। यदि एक इवन और एक ओड है तो ओड मिलेगा। दोनों यदि माइनस माइनस आ जाए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये क्या हो गया, इवन पेरिटी। इसके लिए क्या हो जाएगी, इवन पेरिटी आएगी, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं, लिथियम का एग्जांपल लेके चलते हैं, क्यों कहीं और नहीं जाएंगे, लिथियम के पास ही चलते हैं। तो लिथियम, तो 3 प्रोटॉन है और 3 न्यूट्रॉन है, तो तीसरा प्रोटॉन है वो कहाँ आएगा, पी के अंदर आएगा। तो पी के लिए एल की वैल्यू कितनी है, माइनस वन, माइनस वन की पावर एल की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये दोनों माइनस माइनस आ रही है, तो माइनस वन इंटू माइनस वन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस वन, और प्लस वन है तो इसकी पेरिटी क्या रहेगी, इवन, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये चीज़ है जो इसकी पेरिटी है वो कैलकुलेट करते हैं। तो ये इतना सब कुछ था न्यूक्लियर सेल मॉडल के बारे में, जहाँ से हमने देखा मैजिक नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, और जो स्पिन है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, और जो इसकी पेरिटी है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये।